हमारे गांव से बालाघाट से हमने अपनी संस्था के माध्यम से एक बच्ची को आगे बढ़ाने का काम किया है उसकी माँ चौका बर्तन करती थी पिताजी बहुत ही गरीब थे लेकिन उस बच्ची ने मेहनत करके नवोदय में एडमिशन लिया उसके बाद में उसके दिमाग में आया कि मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना है उसने वो प्रयास चालू किया और फिर जगह जगह विदेशी विश्वविद्यालयों में भी अप्लाई किया और इस समय वो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही स्पेस साइंटिस्ट का कोर्स कर रही है इसको हम पहले मोटा कहते थे। और आज की तारीख में ये मोटा अनाज आदमी को पतला करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, है ना पहली बार जब खाना बनाने का एक्सपीरियंस था वो कैसा था क्योंकि मैं भी जब घर से गया था तो एक बार तो मुझसे कुकर ही फट गया था ऐसे समय में जहाँ नौकरी को लेकर के एक धारणा बन गई है कि पढ़ना मतलब नौकरी करना सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना तो ऐसे बच्चों को आप क्या सीख देना चाहेंगे कि केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है अन्य जो चाहे पर्यटन हो या फिर और भी जो प्लेसेस हैं वहाँ भी नौकरी मिल सकती है और पर्यटन में खासकर कितनी संभावनाएं आप देखते हैं जो कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे बानी नमस्कार मैं हूँ आलोक शुक्ला मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश काडर के आई अधिकारी हैं बड़े अधिकारी हैं लेकिन उनका काम उससे भी बड़ा है जी हाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आई ए एस मुकेश मिश्राम जी जो महानिदेशक हैं पर्यटन के साथ ही प्रमुख सचिव हैं पर्यटन के सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद यहाँ यूपी कैडर में आप कब आए और आ, कैसे ये आई बनने का सफ़र शुरू हुआ चूंकि जहाँ तक मुझे पता है ग्रामीण बैकग्राउंड से चलकर आप आए तो कैसे इसकी शुरुआत हुई मैं मूलतः मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले का रहने वाला हूं जहां पर आज भी ५० प्रतिशत से अधिक जंगल हैं यानी चारों तरफ आपको बिल्कुल प्रकृति की सुरम्य गोद में हमारा गांव स्थापित है और वहीं से हम लोग पैदल चल के उन दिनों पर इतनी सुविधाएं भी नहीं थी स्कूल पढ़ने के लिए तो पाँच किलोमीटर पैदल चल के कच्चा पगडंडी वाला रास्ता होता था और उसमें एक नदी भी पड़ती थी तो बारिश के दिनों में तो हमारा रेनी डे वैसे हो जाता था हम क्रॉस ही नहीं कर पाते थे लेकिन उससे आते जाते रहते थे और रास्ते में अक्सर जंगली पशु पक्षी वो सब हम लोगों से साक्षात्कार करते थे हम उनका साक्षात्कार करते थे ऐसे चलता रहता था लेकिन बहुत मज़ेदार जर्नी थी धीरे धीरे करके जब स्कूल से हम आगे बढ़े तो स्कूल पढ़ाई के समय मुझे ये लगता था कि कुछ न कुछ हमको करना चाहिए अपने गांव के लिए करना चाहिए देश के लिए करना चाहिए तो मैंने वहाँ गांव में एक छोटा सा बच्चों की संस्था बनाई थी प्रेरणा बाल समिति तो वो करीब तीस चालीस बच्चे वो गांव भर के इकट्ठा होकर के हम कई तरीके की कभी पेड़ लगाने का काम करते थे कभी एक लाइब्रेरी हमने बना रखी थी और ऐसे कई तरीके गतिविधियाँ करते रहते थे बाद में मेरा सिलेक्शन वहाँ से आगे होकर के ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति होता है जी। तो उसके लिए हो गया था सौ रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप उन दिनों मिलनी चालू हो गई मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टडक्वाटर आ गया पढ़ने के लिए वहाँ पर अपना खाना बनाता था अपना स्कूल पढ़ने जाता था तो उस टाइम पे खाना बनाना भी सीखा पहली बार जब खाना बनाने का एक्सपीरियंस था वो कैसा था चूँकि मैं भी जब घर से गया था तो एक बार तो मुझसे कुकर ही फट गया था तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं नहीं उन दिनों तो जो ना कुकर ना गैस वो स्टोव होता था केरोसिन वाला बहुत देर तक के तो उसमें पंप करते रहना पड़ता था उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो कई बार उसमें तेल फंस जाता हो हाँ, तो जाता था उस पिन विन लगाते थे और फिर तो दो भगोने क्योंकि वहाँ पर मुख्य रूप से चावल स्टेपल डाइट है यानी चावल ही ज़्यादा खाते हैं बालाघाट जिले में तो एक भगोना जिसमें चावल डाल दिए पानी डाल दिए ढाक दिए स्टोव पे चल रहा है अपना बन गया तो अपने आप उसकी आवाज़ आ जाती थी इसी तरीके सब्जी बनाना होता था तो वो काफ़ी सारा पानी डाल करके सारी सब्जियां जितना मसाला सब डाल करके उन्होंने कहा भाई पक जाओ जो भी है। तो शुरुआत तो ऐसी हुई बहुत अच्छा हो, आ, मतलब नहीं बन पाता था लेकिन फिर भी जब भूख लगती है ना तो सब अच्छा लगता है हर खाना अच्छा लगता है तब जो है बिल्कुल च्वाइस के चक्कर में नहीं पड़ता आदमी फिर वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एग्जाम दी गई तो मेरा सिलेक्शन हो गया मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एम भोपाल के लिए आर्किटेक्चर पाँच साल का कोर्स था उसमें आ गए पाँच साल का वो कोर्स करने के बाद मैं फिर छोटी मोटी नौकरी इधर उधर खोजी गई उसमें जॉब किए फिर आईआईटी रुड़की अब उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की थी मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए वहाँ पहुँच गए वहाँ से पढ़ने के बाद में फिर इसरो में जॉब किया विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल पहुँच गए वहाँ से फिर छोड़ कर मतलब ऐसा होता था कि मैं चार छः महीने में इधर से उधर कोई नई हाँ जहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखती थी वहाँ चला जाता था भोपाल पहुँचा भोपाल में मैंने वहाँ पे जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी वहीं पढ़ाना प्रारंभ किया तो बहुत सारे मेरे साथी जो प्रोफेसर थे वो तैयारी करते थे यंग थे सब तैयारी कर रहे थे उनमें सिलेक्शन भी हो गया एक का वो इस समय राजस्थान में आई है एक का सिलेक्शन हो गया वो एम्बेसडर भूटान है इस समय सुधाकर दलेला गोविंद गुप्ता और कई सारे लोगों का हुआ तो जिन लोगों से मुझे है ना जैसे लगता था कि भाई इसका सिलेक्शन हो गया प्लस मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब वहाँ पर एक पुरस्कार समारोह में वार्षिक उत्सव में वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के एस सत्यानंद मिश्रा कलेक्टर थे आज भी याद है वो नाम एम जॉर्ज जोसेफ वहाँ के एसपी थे वो दोनों पुरस्कार देने के लिए आए थे और उनके घर के सामने से मेरे गांव जाने वाली सड़क जाती थी जी। तो आते जाते मैं देखता था खूब बड़ा सा बंगला है खूब बड़ा है तो कभी लगता था कि देखो कितना अच्छा है मेहनत की जाए कोशिश शुरुआत में तो लगता था कि यार शायद पहुँच ना पाए लेकिन फिर अच्छी अच्छी बुक्स जो हाथ आई पढ़ने का क्रम जब चला जैसे आपका है ना द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपने भी सर एक बुक लिखी है जो अमेजन पर उपलब्ध है शायद किसी और ने लिखी है मेरे हाँ आपके नाम जी पर नहीं नहीं ना लिखी। के ऊपर लिखी जी है जी। है ना किसी भोपाल की एक संस्था है उनने तो उसमें उसमें एक जो शब्द है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल उसमें जो कवर पेज है बुक का उस पर आई के बाद डॉट है और एम पॉसिबल लिखा है कि मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और जाहिर है आपने जिस तरह की जर्नी बताई हमने थोड़ा पढ़ा था लेकिन जो आप बता रहे हैं तो विजुअलाइज हो रहा है कई ऐसे बच्चों को हम लोग आज भी देखते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जब जाते हैं कई बार हम डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसे बच्चों को देखते हैं कि अभी भी उनके पास अच्छे बैग नहीं हैं और वो चप्पल भी नहीं है लेकिन वो जाते हैं उनके पास यूनिफॉर्म स्कूल की रहती है जो आजकल मिलती है तो ऐसे बच्चे देखिए जब मैं ये कह रहा हूँ तो कई बार जर्नी से कोरिलेट हो जाता है आदमी उन दिनों तो स्कूल बैग और जूते भी नहीं मिलते थे इन दिनों तो फिर भी स्कूल बैग सरकार की ओर से मिल जाते हैं जूते मिल जाते हैं यूनिफॉर्म मिल जाती है उन दिनों तो हमारे पास में कहने को एक ही यूनिफॉर्म होती थी वो भी हाफ़ पैंट और सूती का हाफ़ शर्ट और खाकी हाफ पैंट जो स्कूल ड्रेस थी कोई बेल्ट नहीं कोई जूता नहीं चप्पल भी नहीं तो ठंड में तो पाँव भी फट जाते थे और दौड़ते हुए जाना पड़ता था क्योंकि हम लोग पास घड़ी गांव में नहीं थी तो वो सूरज से हम उसके सनराइज़ से हम लोग पता करते थे कितना पर इसी में हम लोग चकमा खा जाते थे क्योंकि ठंड के दिनों में दिक्कतें होती छोटे दिन होते हैं जी। तो सूरज भी बहुत ही आलस से करते हुए है ना विराजमान होते थे और हम सोचते थे कि अभी साढ़े छः बजाए जब सुबह साढ़े सात बजे का स्कूल होता था और उसी में हम लोग लेट हो जाते थे फिर थप्पड़ भी पड़ता था या दंड भी मिलता था तो ये जर्नी थी लेकिन यह है कि धीरे धीरे जैसे Uh, कुछ आप सोचो द सीक्रेट है रौंडा बर्न की जी. है ना या फिर जो मैंने कहा ना कि कई ऐसी पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों से जब आप साक्षात्कार करते हैं पढ़ते हैं बहुत लर्निंग होती है uh, वो आपको अच्छे रास्ते भी दिखाती है अंधेरे में प्रकाश दिव्य दीप पुंज के भांति ये सब होती है तो ऐसे ही मैं पढ़ता रहता था अच्छी कहानियाँ गीता प्रेस से प्रकाशित कई पुस्तकें पढ़ी उन दिनों सच्चे बालक वीर बालक चौकी कहानियाँ तो ये सब कहानियाँ जो थी वो बड़ी प्रेरणादायक होती थी जो करियर बनाना चाहते हैं कई बार बच्चे करियर बनाने के चक्कर में उनको आ, सरकारी नौकरी चाहिए चाहे वो क्लर्क की हो आप देखते होंगे पीएचडी किया हुआ भी आदमी चपरासी का फॉर्म भर देता है तो ऐसे समय में जहाँ नौकरी को लेकर के एक धारणा बन गई है कि पढ़ना मतलब नौकरी करना सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना तो ऐसे बच्चों को आप क्या सीख देना चाहेंगे कि केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती है अन्य जो चाहे पर्यटन हो या फिर और भी जो प्लेसेस हैं वहाँ भी नौकरी मिल सकती है और पर्यटन में खासकर कितनी संभावनाएं आप देखते हैं ठीक है सबसे पहले तो करियर बनाने की अगर हम बात करें तो किसको कहते हैं ना कि मायोपिक सोच या बहुत क्षुद्र सोच उससे बाहर निकलना पड़ेगा इवन माँ बाप को भी निकलना पड़ेगा हमारे ज़माने में बहुत लिमिटेड अवसर होते थे लिमिटेड एरियाज़ होते थे बेटा है इंजीनियर बनाओ इसको बेटी है डॉक्टर बनाओ या बस इस तरीके की लिमिटेड चीज़ें ही होती थी या बीए कर ले पीएचडी कर ले एम कर ले टीचर बन जाएगा प्रोफेसर बन जाएगा इस तरीके से वो दिमाग में सोचता था या फिर ये होता था कि सरकारी नौकरी के लिए उसको हम आगे बढ़ाएं सरकारी नौकरी सेफ़ है सिक्योर है आराम रहेगा इस तरीके की जो धारणा बना करके चलते थे लेकिन आज की तारीख़ में हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है आज की तारीख में अगर कोई लेखक है उसके लिए भी बहुत अच्छे स्थल हैं बहुत अच्छे जो है सोपान हैं जहाँ पर वो बढ़ सकता है चाहे वो पेंटर हो चाहे सिनेमाटोग्राफर हो चाहे वह हो, हो है, है ना या स्पेस का हो किसी भी तरीके का अभी मुझे पता है हमारे गांव से बालाघाट से हमने अपनी संस्था के माध्यम से एक बच्ची को आगे बढ़ाने का काम किया है उसकी माँ चौका बर्तन करती थी पिताजी बहुत ही गरीब थे उन्होंने एक तरीके से उनको छोड़ दिया था कि भाई आपको हम नहीं पढ़ाएंगे लेकिन उस बच्ची ने मेहनत करके नवोदय में एडमिशन लिया उसके बाद में उसके दिमाग में आया कि मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना है ए पी जे कलाम से बड़ी प्रभावित हुई स्पेस साइंटिस्ट बनना है इसके लिए वो वहाँ से निकल गई आज की मैं बात बता रहा हूँ अभी की बात बता रहा हूँ दो साल पहले की उसके दिमाग में ये जैसे बात आई उसने वो प्रयास चालू किया और फिर जगह जगह विदेशी विश्वविद्यालयों में भी अप्लाई किया और इस समय वो पर्थ में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है स्पेस साइंटिस्ट का कोर्स कर रही है तो कहाँ से कहाँ तक का सफ़र आप आए दिनों देखते हैं यूट्यूब में भी देखते हैं और बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि किसी की माँ मज़दूर थी कोई बीड़ी बनाने वाली थी कोई सब्ज़ी बेचने वाली थी कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी था वहाँ से आगे बढ़े भाई हमारे यहाँ पे मिस इंडिया है ना रनर एक आई थी मिलने के लिए उसके पिताजी मुंबई में ऑटो चलाते थे ठीक है कुशीनगर की रहने वाली लड़की जी हाँ नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है लेकिन तो ये जो है ना कोई ये कहे कि आ, किसी वजह से उसको अवरोध है या वो नहीं कर पाएगा या ऐसा हो ही नहीं सकता कैसे करूं यही सबसे बड़ी सोच की कंजूसी है सोच में कृपणता नहीं होनी चाहिए सोच हमेशा आसमान में उड़ने की अगर वो रखता है सपने हमेशा आसमान के देखेगा तो अच्छी जगह पे तो पहुंच ही जाएगा इसी को तो रौंडा बर्न ने द सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है।, है ना और इसी इसी चीज़ को आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं उसमें भी लिखा हुआ है गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे पहले आप सोच तो अच्छी करो सोच को स्ट्रांग करो पॉजिटिव बनाओ ये सब बात आपकी बिल्कुल ठीक है जैसा आप सोचेंगे वैसा क्योंकि मैं जब पढ़ता था बी में तो मैंने मतलब शुरू में कभी मैं पोडियम पे बोला करता था और आ, मुझे लगता था कि मैं इंटरव्यूज़ करूं लोगों को जब टीवी पे देखता था मुझे लगता था कि मैं लोगों से बात करूं और मेरी दिशा कहीं और थी और मैं फाइनली जर्नलिस्ट बनी गया तो जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है आ, सर आखिरी दो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे आपने फूड सेक्टर खाने को क्विजेंस की बात की कि, आ, किस तरह के व्यंजन बनाने नए नए बन रहे हैं व्यंजन तो हमारे उत्तर प्रदेश में आ, जो कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी मतलब हर आठ दस किलोमीटर पर वाणी का जो चेंज होती है चेंज हो जाती है और तीन चार किलोमीटर पर पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है तो खाने का कितना टेस्ट बदलता है चूँकि आप तो पूरा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से घूमे होंगे तो खाने का कितना टेस्ट बदलता है और खाना जो भोजन है व्यंजन है हमारे यहाँ उसको कितना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और जो आजकल बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं चाइनीज़ फूड खा रहे हैं जिससे तमाम बीमारियाँ बच्चों को हो रही हैं कम उम्र के बच्चों में जो दस ग्यारह साल के हैं उनकी हेल्थ बहुत बढ़ जा रही है कई बार ऐसा लगता है कि ये अट्ठारह बीस साल के बच्चे हैं तो खाने को लेकर बच्चों को क्या सलाह देना चाहिए देखिए एक तो खान पान के साथ हमको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है ये हमारा पेट जो है कूड़ादान नहीं है कि कुछ भी आप डाल लो है ना आप पेट शरीर और उसी से जुड़ा हुआ माइंड आप अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी ऊर्जा ग्रहण करेंगे स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो आपके अंदर न केवल सकारात्मकता रहेगी उत्पादकता भी बढ़ती है अच्छा आप करेंगे ज़्यादा काम करेंगे जहाँ पे आप ऊल जलूल खाएंगे तो आलस्य भी आएगा कई सारे रोग भी उत्पन्न होंगे डायबिटिक होने लगे हैं लोग बहुत कम एज में अन्य तरीके की और प्रॉब्लम आने लगी है बीपी बड़े कम एज में आने लगा है लोगों को तो इसलिए ज़रूरी है कि भाई जै, जै जैसे हम पहले कहते हैं जैसा देश वैसा भेष आप जिस देश में वहाँ की जलवायु के अनुरूप खाना बना है वहाँ प्रकृति ने जलवायु के अनुरूप वो फसलें पैदा की है और उन फसलों को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करके उससे बना हुआ खाना खाते हैं तो हमारे हर क्षेत्र में हमारे यहाँ पर आप देखिए कि बहुत तरीके के कुजिन हैं और उसमें मिलेट्स का उपयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि क्या है रफ़ेज आदमी ने गायब कर दिया फाइबर गायब होता जा रहा है मैदा चीनी खूब नमक है ना ये सफ़ेद जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत उसकी डिपेंडेंसी होने लगी है वो जीप के स्वाद के चक्कर में है ना लॉन्ग टर्म का अपने जीवन जीने की परिभाषा को कहीं ना कहीं तिरोहित कर रहा है तो आवश्यक है कि अच्छा खाए अच्छा होगा अन्न तो अच्छा होगा तन और अच्छा होगा मन ठीक है और उससे आप अच्छा उपार्जित करेंगे धन तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड टर्म्स में सोचने की आवश्यकता पड़ती है कि अच्छा विचारें यहाँ भी अच्छे भोजन दें माइंड को मतलब अच्छी बुक्स पढ़ें अच्छे लोगों के साथ रहें अच्छा सोचें इसी तरीके से यहाँ के लिए भी अच्छा अन्न ग्रहण करें उसमें आपको अच्छी सब्जियाँ जो देसी सब्जियाँ हैं पता नहीं विदेशी सब्जियों को आप यहाँ ला के कितने दिन क्योंकि क्या होता है ना जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में जिस समय जो मौसमी सब्जियाँ हैं उनको खाएंगे तो वो कम जहर से उगती है जो सब्ज़ियाँ आप कहीं से दूर से मंगा के यहाँ पर उगाना चाहेंगे तो उसमें पेस्टिसाइड पड़ेगा क्योंकि वो लोग और एक चीज़ बड़ी मैंने देखा है लोग जो है ना अक्सर बड़ी चमकीली साफ़ सुथरी और वैसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं मैं तो कहता हूं कि अगर हाथ कीड़ा या इल्ली दिख भी रही है उस सब्जी को ले लो क्योंकि जिस चीज को कीड़े ने भी खाने से मना कर दिया कि भाई ये मैं नहीं खा सकता वो हमसे ज्यादा सेंसिटिव है बिल्कुल उसको आप क्यों खा रहे हो है ना इसका मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड पड़ा है इसलिए कीड़ा वहां से भाग गया सर आपने मिलट्स मेरा आखिरी प्रश्न यही था क्योंकि टूरिज्म और कल्चर का एक हिस्सा फूड है और मिलट्स ज्वार बाजरा या जो भी इस तरह की जो पोखरे में कई बार ज़्यादा पानी में आ, सावा जिसको बोलते थे गांव में हमने देखा है क्योंकि हम भी गांव से हैं लेकिन अब नहीं होता है लेकिन प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद और आप लोगों के प्रयास से अब लोग जो है जागरूक हो गए हैं और पर्यटन विभाग विशेषकर इन चीज़ों को प्रमोट भी करता है अपनी तमाम प्रदर्शनियों में और जहाँ जहाँ कहीं भी पर्यटन स्थल है ये सब चीज़ें वहाँ दिख भी रही हैं तो ऐसे में किसानों को बच्चों को जो किसानों के बच्चे हैं उनको इससे कैसे जोड़ना चाहेंगे क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे मिलट्स की तरफ अपने माता पिता के साथ खेती करने जाएं तो जुड़ें क्या प्रयास कर सकते हैं वो इनको हम लोग पहले मोटा अनाज कहते थे जी और आज की तारीख में ये मोटा अनाज आदमी को पतला करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है <laughs> ना हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो मिलट्स हैं बहुत सारे रागा सावी सावा कोदो कुटकी बहुत सारे हैं काफ़ी सारे हैं। तो इन सबको जरूर थोड़ा ना थोड़ा हमारे भोजन का अंग बना लेना चाहिए क्योंकि एक तो कम खाने से वो ज़्यादा देर चलता है ज़्यादा देर पचने में लगता है तो आपको जल्दी जल्दी जल भूखने लगेगी अभी क्या है उल जल जैसे खाता है थोड़ी थोड़ी देर में वो खाने की क्रेविंग बढ़ती है फिर खाता है फिर ठूसता है और उतना ही खाना चाहिए है ना जितना आपको अब लगे ना कि यार अब खाएँ कि ना खाएँ तो बिल्कुल न खाएँ ठीक है मतलब वहाँ पे रुक जाना चाहिए आदमी को और इसीलिए मिलेट्स अब धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू कर दिया बड़े शहरों में भी और बाकी जो मीडियम साइज़ के शहर हैं वहाँ पर छोटे पैकेट्स में आप चले जाइए जितने भी सुपर हैं या जितने भी हमारे स्टोर्स हैं उनमें भी उपलब्ध हो गए हैं इसको रियलाइज़ किया है लोगों ने क्योंकि इनमें आयरन कंटेंट बहुत होता है कईयों में प्रोटीन बहुत होता है कईयों में कई ऐसे ऐसे मिलेट्स हैं जिसमें कैल्शियम रिच हैं जिंक रिच हैं इसलिए इन सब का इस्तेमाल आपको ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिट प्रदान करता है सर आपने बहुत अच्छी बातें बताईं निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा कैसे वो जीवन को जिए कैसे वो अपने अंदर जो है एनर्जी लाएँ क्या चीज़ें खाएं क्या ना खाएं और किस तरह का कंटेंट जो गूगल या किसी भी माध्यम से उनको मिल रहा है वो एक्सेप्ट किस तरह का कंटेंट करें इस पर आपने बहुत आ, अच्छी और प्रेरणादायक जानकारी दी और कोई भी असुविधा किसी की सक्सेस में आड़े नहीं आ सकता है बस विचार बेहतर होने चाहिए सोच ऊँची होनी चाहिए यह आपने कहा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए धन्यवाद नमस्कार तो आ, ये है मुकेश मेश्राम जी जिन्होंने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो और राष्ट्र के निर्माण के लिए वो कितना प्रेरणादायी बन सके यह सब बातें आपको बताई निश्चित तौर पर आपको पसंद भी आई होगी मुझे दीजिए अनुमति नमस्कार